एक गाइस वनीशन है, एक छोटा सा टॉपिक है टॉसिंग का, जो अपन जरा देख लेते हैं जैसे करना है। बड़ा छोटा सा टॉपिक है क्रॉसिंग का, पिछली वीडियो का थोड़ा सा पार्ट है क्रॉसिंग का। हु मे क्रॉस अ चेक, चेक कौन क्रॉस कर सकता है? जो बिल जो चेक बना रहा है ड्रॉअर कर सकता है, जिसके पास चेक है होल्डर वो ड्रॉ कर सकता है, थर्ड केस है बैंकर। ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, ओनली इन केस ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग। ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, सिर्फ इसी पॉइंट के लिए मैं दोबारा वीडियोस कर रहा हूं साहब। चेक पे लिखा हुआ बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है बैंक ऑफ इंडिया? इसका मतलब ये है कि साहब जो बैंक ऑफ इंडिया है उसी के अकाउंट से पेमेंट होगी, उसी के अकाउंट में पेमेंट जाएगी। आप कलेक्टिंग पेइंग बैंक को करो कि बैंक ऑफ इंडिया का बंदा है उसी को देना पेमेंट। सपोज करो बैंक ऑफ इंडिया का बंदा उस दिन नहीं जा सकता, तो पता है क्या कर सकती है? बैंक ऑफ इंडिया वाले इस चेक पे अपने किसी एजेंट बैंक का नाम लिख सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया ने सपोज बैंक का लिख दिया BOB, तो उस केस में BOB को पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन जो BOB की पेमेंट आएगी वो कहाँ जाएगी? बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो स्पेशल क्रॉसिंग के केस में बैंक भी क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है, लेकिन एक बार। और वो किस लिए क्रॉस करेगा? ताकि जो वो जिस बैंक को अपना एजेंट बना के भेज रहा है वो उसके बिहाफ पे रिकवर कर ले। यहाँ तक समझ में आया? पहला ड्रॉअर कर सकता है, होल्डर कर सकता है, और सेकंड क्या है? स्पेशल क्रॉसिंग के केस में जो कलेक्टिंग बैंक है वो अपने दूसरे बैंक को एजेंट बनाने के लिए क्रॉसिंग कर सकता है, और दूसरा बैंक उसके बिहाफ पे क्या करेगा? पेमेंट रिसीव करेगा। उसके बिहाफ पे क्या करेगा भैया? पेमेंट रिसीव करेगा और बैंक ऑफ इंडिया को दे देगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स सी ए विनीत, एंड गाइज डू लाइक माई पेज ओवर द फेसबुक, इट्स सी ए विनीत जैन लॉ एंड ऑडिट क्लासेस। प्लीज लाइक इट, थैंक यू, बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, जय हिंद।